टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। गोपालगंज जिले के हथुआ थाना अंतर्गत रूपचक गांव में राजद नेता जेपी यादव के परिवार हत्याकांड की जानकारी लेने पहुंचे यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अखिलेश दयाल गोपालगंज जिला के हथुआ विधानसभा क्षेत्र में जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ जिला उपाध्यक्ष मुन्ना खां के आवास पर बैठक कर हत्याकांड की विस्तृत जानकारी ली तथा फोन से घायल राजनेता जेपी यादव से बात कर विस्तृत जानकारी भी ली गई, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सियासत के लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर जेपी यादव के परिवार से निशंस हत्या की है तथा यहां के उभरते एवं ऊर्जावान युवाओं को एक साजिश के तहत हत्या कराई जा रही है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां एक समानांतर सियासत चल रहा है, लेकिन यूथ कांग्रेस माथे पर कफन बांध कर यह हल्ला बोलेगी तथा ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने जेपी यादव के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि पीड़ित जनों को 50 लाख मुआवजा एवं एक सरकारी नौकरी देने की मांग सरकार से की। मौके पर जिला अध्यक्ष राजकिशोर एवं उपाध्यक्ष मुन्ना खां सहित कई कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। मानकर और वैसे लोगों के खिलाफ में हल्ला बोल बोलेगी और गोपालगंज में वैसे लोगों का कानून के रूप में उनका पर्दाफाश करने का काम और उनके लोगों को जेल भेजने का काम भी हम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। मुन्ना तिवारी जी का जो हत्या हुआ है और जेपी यादव जी के यहाँ भी जो उनके पिता माता और भाई का हत्या हुआ है, उनको भी काफी चोटें लगी हैं। पार्टी का एक विचारधारा होता है और पार्टी अपने विचारधारा पर काम करती है, सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है किसी के साथ। जी सर, बताइए। नमस्कार, मैं अखिलेश दयाल, प्रदेश महासचिव बिहार यूथ कांग्रेस, गोपालगंज का प्रभारी। यह मेरा प्रभार क्षेत्र है गोपालगंज और मेरा यहाँ आने का मुख्य लक्ष्य और मुख्य कारण यह है कि 25 तारीख को जिस प्रकार जेपी यादव जी के परिवार के साथ जो यहाँ एक उभरते हुए नेता और युवाओं के प्रणेता हुआ करते हैं, उनके परिवार के साथ एक निर्मम हत्या कर देना कहीं ना कहीं साजिश के रूप में और प्रशासन के साथ मिलकर सियासत के लोगों ने एक गंदी राजनीति के तहत उस परिवार की निर्मम हत्या कर दी और उस परिवार की तो हत्या की ही, साथ ही साथ एक टारगेट और एक निशाना था कि पूरे परिवार का समाप्ति कर दिया जाए। लेकिन इंसान के हाथ में मारना है लेकिन भगवान के हाथ में बचाना है। माता पिता और भाई का देहांत तो हो चुका, लेकिन आज जेपी यादव मौत और जिंदगी से जूझकर अपने जीवन को बचा सके हैं और बहुत जल्दी पुनः वह स्वस्थ होकर और अपने घर पर आएंगे और जैसी भी इच्छा उनकी होगी, जिस प्रकार का सहयोग होगा, हमारा यूथ कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस और छात्र विंग NSY पूरी तरह से सहयोग करने का काम करेगा। 28 तारीख को मुन्ना तिवारी जी के साथ जो निर्मम हत्या हुई उनकी और किसी न किसी सियासत के रूप में एक अलग ही सियासत यहाँ चल रहा है और गोपालगंज का प्रभारी के तौर पर मैं यहाँ आया हूँ और सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य और मुख्य उद्देश्य यह है वैसे परिवार जो किसी न किसी सियासत के रूप में निशाने बनाए जा रहे हैं, वैसे परिवार को सुरक्षा देने का काम और साथ ही साथ जो उनके साथ घटना घटी है उस परिवार को कम से कम एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख की मुआवजा की मांग रक्सौल युवा कांग्रेस नहीं बल्कि पूरे बिहार प्रदेश यूथ कांग्रेस के लोग करते हैं। धन्यवाद।